ये देख सकते हैं करनाल के रेलवे स्टेशन की। हम आपको बता दें कि खालिस्तानी समर्थक और सिख फॉर जस्टिस से गुरवंत सिंह पन्नू द्वारा जो धमकी दी गई थी कि पंजाब की तरफ जाने वाली जो ट्रेनें हैं उनको ना चलने दिया जाए, आज 3 जून की जो है डेट जो है उसकी तरफ से दी गई थी। और जानकारी है कि कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन और अम्बाला स्टेशन पर भी धमकी भरा एक फ़ोन आया था, जिसके बाद आप देख सकते हैं तमाम स्टेशनों की जो सुरक्षा है आज 3 जून के दिन जो है यहाँ पर बढ़ा दी गई है। आप ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, ट्रेनें सभी आवाजाही बिल्कुल जारी है और आप देख सकते हैं पुलिस एहतियात के मद्देनज़र इस समय करनाल रेलवे स्टेशन पर तैनात की गई है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, एहतियात के मद्देनज़र जो पुलिस की टीमें हैं वो इस समय करनाल के रेलवे स्टेशन पर तैनात की कर दी गई है और अलग अलग ड्यूटीज़ जो है लगाई जा रही है। आप देख सकते हैं समय जो थाना SHOs हैं उनकी तरफ से अलग अलग ड्यूटीज़ जो है यहाँ पर लगाई जा रही है करनाल के रेलवे स्टेशन से। इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, 3 जून को पंजाब की तरफ जाने वाली जो ट्रेनें हैं उनको रोकने की जो है धमकी दी गई थी सिख फॉर जस्टिस के गुरवंत सिंह पन्नू की तरफ से, जो एक खालिस्तानी समर्थक है। और आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, SHO सिटी इस समय मौके पर मौजूद हैं और पुलिस कर्मचारी यहां पर तैनात कर दिए गए हैं एहतियात के मद्देनज़र। हालांकि सिख फॉर जस्टिस के जो यहां पर युवा हैं वो बिल्कुल भी नहीं हैं, लेकिन उसके एहतियात के मद्देनज़र फिर भी पुलिस सुरक्षा चाक चौबंद सभी स्टेशनों पे की गई है, सभी जगह चेकिंग हो रही है, चाहे कुरुक्षेत्र हो, चाहे अम्बाला हो, पंचकुला हो या करनाल हो। आप देख सकते हैं एहतियात के मद्देनज़र पुलिस पूरी तरह से तैनात है और इस समय SHO सिटी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे सर क्या कुछ बताना चाहेंगे एहतियात के मद्देनज़र यहाँ पर सुरक्षा चाक चौबंद की गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में। सिख फॉर जस्टिस इन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि हम ट्रेन रोकेंगे, उसके लिए यहाँ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इसमें GRP के लोग भी हैं और रेलवे स्टेशन पे और RPF के भी हैं और हमारे जिला पुलिस की टुकड़ी भी है यहाँ पे और DSP सिटी भी यहाँ पे तैनात किए गए। तो सर किस तरह से लोगों से कहना चाहेंगे कि पुलिस पूरी तरह से है? पूरी तरह से मुस्तैद है और गाड़ियाँ बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है सारी गाड़ियाँ। पंजाब की गाड़ियों को रोकने की धमकी दी थी? नहीं, सभी गाड़ियों को रोकने की धमकी दी थी उन्होंने, पंजाब की कोई स्पेशल नहीं थी और गाड़ियां सुचारू रूप से चल रही हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं पुलिस, चाहे शहर की पुलिस हो, GRP पुलिस हो, RPF हो, सभी जो है आप देख सकते हैं पूरी तरह से तैनात है। और आप देख सकते हैं करनाल पुलिस के साथ साथ रेलवे पुलिस भी पूरी तरह से अंदर चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं। आप देख सकते हैं वज्र वाहन यहां पर खड़ा किया गया है एहतियात के मद्देनजर, क्योंकि सिख फॉर जस्टिस से गुरवंत सिंह पन्नू की तरफ से पहले भी इस तरह की जो है धमकी भरे फोन आते रहे हैं। हालांकि पुलिस सिर्फ एहतियात के मद्देनजर यहां पर खड़ी है, कोई कॉल नहीं है कि यहां पर कई संख्या में कोई लड़के इकट्ठे हो रहे हैं या युवा इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि खालिस्तानी समर्थक है गुरवंत सिंह पन्नू। और किस तरह से आप देख सकते हैं धमकी भरे फोन आते हैं, लेकिन पुलिस फिर भी एहतियात के मद्देनजर जो है आप देख सकते हैं करनाल रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि आज ट्रेनें ना रोकी जा सके। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, वज्रवान यहां पर खड़े कर दिए गए हैं और करनाल रेलवे स्टेशन के समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर हमको बताना चाहेंगे कि किस तरह से गुरवंत सिंह पन्नू की तरफ से जो धमकी दी गई थी उसको लेकर जो है तमाम स्टेशनों की जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि कोई भी रेलगाड़ियां ना रोकी जाए। इस समय करनाल रेलवे स्टेशन की हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर हम आपको अंदर भी लेकर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि जो तमाम ट्रेनें हैं वो बिल्कुल अपने तय सीमा अनुसार जो है चलती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं सामने भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा पुलिस का जो एक वज्र वाहन है, जो छोटा वज्र वाहन है वो भी यहां पर खड़ा है और पुलिस की जो तमाम गाड़ियां हैं वो एहतियात के मद्देनजर यहां पर लगा दी गई हैं ताकि किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट यहां पर अगर किया जाता है तो उसको किस तरह से निपटना है। आप देख सकते हैं अंदर भी जो है पुलिस की टीमें यहां पर तैनात है, आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, रेलवे पुलिस की तरफ से भी जो है यहां पर पूरी तैनाती यहां पर की गई है। तो किस तरह से पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से चाक चौबंद इंतजाम जो है किए गए हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें समय करनाल के रेलवे स्टेशन से आप देख सकते हैं। हम आपको हालांकि जो आगे रेलवे पुलिस है वहां की लाइव तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, इस समय करनाल रेलवे स्टेशन की आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, जो GRP थाना है वो बिल्कुल आगे है, पुलिस वहां पर भी तैनात की गई है। और सामने आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरह से महिला पुलिस की जो टुकड़ी है, महिला पुलिस की जो टीम है वो भी यहां पर एहतियात के मद्देनजर तैनात की गई है और जो DSP हैं वो भी मौके पर बुलाए गए हैं और DSP भी मौके पर तैनात किए गए हैं। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, एहतियात के मद्देनजर करनाल पुलिस की तरफ से सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद की गई है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, महिला पुलिस की भी तैनाती यहां पर की गई है, जिसकी तस्वीरें समय हम आपको दिखा रहे हैं, महिला पुलिस भी यहां पर तैनात है और जो रेलवे पुलिस है, GRP पुलिस है, उसकी भी तैनाती यहां पर की गई है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, एक सिर्फ धमकी को लेकर जो है पुलिस सभी तरह से सुरक्षा की दृष्टि से, आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, रेलवे सुरक्षा बल चौकी यहां पर है, GRP थाना यहां पर है, GRP थाना के जो इंचार्ज है उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे कि किस तरह के एहतियात जो है पुलिस की तरफ से बरते जा रहे हैं, रेलवे पुलिस की तरफ से बरते जा रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीरें समय हम आपको करनाल के GRP थाना से समय हम आपको दिखा सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा।
करनाल रेलवे स्टेशन पर भी जो है सुरक्षा की दृष्टि से चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, और इस समय आप देख सकते हैं जो स्टेशन अधीक्षक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे सर क्या बताना चाहेंगे। एक सिख फॉर जस्टिस की तरफ से जो खालिस्तानी समर्थक है गुरबंत सिंह पन्नू, उसकी तरफ से धमकी दी गई है, तो किस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे पास जो पुलिस महकमे हैं आरपीएफ और जीआरपी, उनके पास जो भी अलर्ट था उसके माध्यम से उन्होंने अपना फोर्स लगा रखी है, सिविल पुलिस भी आई हुई है, और हमारे स्टेशन पर अभी शांति है, ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं है और ना ही इस तरह की कोई संभावना है। अगर कुछ ऐसा होता है तो हमारी फोर्स तैयार है। सर, जो धमकी दी गई है पंजाब की तरफ जाने वाली ट्रेनों को रोकने की दी गई है? देखिए, हमारे पास ऐसा रेलवे की तरफ से या हमारे पास डायरेक्ट कोई मैसेज नहीं है, पुलिस के माध्यम से हमें पता चला था कि इस तरह का कोई वो है या अखबारों के माध्यम से, तो उसके लिए सावधानी के तौर पर हमने सुरक्षा हमारी पुलिस द्वारा कराई गई है। आपका शुभ नाम? संजय सक्सेना। संजय सक्सेना है, स्टेशन अधीक्षक है करनाल के। जिस तरह से उन्होंने बताया कि उनको कोई डायरेक्ट इस तरह की धमकी नहीं आई है, लेकिन पुलिस की तरफ से अखबारों के माध्यम से जो है जो धमकी जो वायरल हो रही है, क्योंकि फोन पर किस तरह से कुरुक्षेत्र बताया जा रहा है कि कुरुक्षेत्र में भी जो है इस तरह के धमकी भरे फोन आए हैं, अंबाला में भी धमकी भरे फोन आए हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए पुलिस और रेलवे पुलिस पूरी तरह से चाक चौबंद इंतजाम सुरक्षा के किए हुए है। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखे इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। तो तस्वीरें जैसा कि आपने देखी कि करनाल के रेलवे स्टेशन के बाहर हो या अंदर हो, किस तरह से पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, वज्र वाहन को भी जो है यहाँ पर तैनात किया गया है, और पुलिस जो है आप देख सकते हैं जगह जगह आपको बैठी हुई जरूर नजर आएगी, क्योंकि एहतियात के मद्देनजर जो है पुलिस सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। रेलवे पुलिस हो, जीआरपी थाना पुलिस हो, करनाल पुलिस हो, तमाम पुलिस की टीमें इस समय आप देख सकते हैं करनाल स्टेशन के अंदर और बाहर जो है तैनात की गई है, क्योंकि सिख फॉर जस्टिस की तरफ से जो सिख फॉर जस्टिस जो खालिस्तानी समर्थक है गुरबंत सिंह पन्नू, उनकी तरफ से जो एक धमकी भरा फोन जो है किस तरह से जो वायरल हो रहा है, किस तरह से धमकी उनकी तरफ से जो दी गई है कि पंजाब की तरफ जाने वाली जो ट्रेनें हैं उनको आज 3 तारीख को रोका जाएगा। तो सिर्फ एहतियात के मद्देनजर आप देख सकते हैं पुलिस जो है चाक चौबंद इंतजाम यहां पर करनाल स्टेशन पर किए हुए है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे थे। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखे इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।